अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी आज काम वाले की छुट्टी है क्योंकि आज संडे का दिन है, तो संडे वाले दिन वो नहीं आती है। अभी सीन कुछ ये है कि ये देखें, ये मैं अभी ये टोकरी साफ़ कर रही हूँ, इसके सारे बर्तन इधर पड़े हैं, ये देखें। ये सारे वॉश करके रखते हैं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी आदत है, मैं ज़रा अलग से ही इसको एक दफ़ा क्लीनिंग करती हूँ हफ्ते में। अभी मैंने इसको साबुन लगाया हुआ है, ये देखें, ये अभी लग रहा है मेरे हाथों में। और ये देखें इधर, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, यहाँ पे लाइट नहीं है, ऐसे दिखाती हूँ आपको। ये जो खिड़की है ना, इस खिड़की के ऊपर वो जो पीले कलर की मक्खियाँ नहीं होती हैं, जिसको हम पंजाबी में भूंड भी बोलते हैं, जो पूंड होते हैं ना, मतलब वो वाले जो पीली होती हैं, वो वाली, वो अभी इधर पूरा अपना छत्ता बना के बैठी हुई थी, और बेजार ने अभी स्प्रे किया है। इस वजह से मुझे ये एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि फिर मुझे वहम होता है कि ये इस चीज़ में भी होगा, इस चीज़ में स्प्रे की असर होगा, तो इसी वजह से बस मैं इसकी सफाई ज़्यादा करी हूँ अभी। अभी इसको साफ करूँगी, इसको साबुन लगा लिया, अभी इसको थोड़ी देर रखती हूँ। और ये अभी जो इधर वाला जो एरिया है ना, ये सारे को मैं अभी साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये मैं अभी बाहर वॉश कर लूँगी। उधर लॉन में ना हमारे बाहर लगा हुआ है, वो नल लगा हुआ है ना बाहर भी एक, क्योंकि यहाँ पे ना सिस्टम ऐसे है कि यहाँ पे जो आपने पोचा वगैरह ना, वो मॉप आप अंदर नहीं धोते हैं वॉशरूम में, आपने बाहर ही उसको क्लीन करना है, तो वो सायदा बाहर ही धोती है फिर। तो अभी इसी वजह से फिर मैं बस अभी इसको वहाँ पे लेके जाऊँगी। पहले वो वॉश कर देती थी मुझे ना, ये क्लीन करके देती थी, लेकिन अभी मैं खुद कर रही हूँ इसको। तो बस अभी इसको मैं वॉश कर लूँ, और उसके बाद ये बर्तन सारे समेट लूँ, और आज की जो अफ्तारी है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। ये देखें, ये मैंने इधर चिकन निकाला है, चिकन है, और यहाँ पे ये देखें, ये मैं आलू बॉईल कर रही हूँ। आलूओं को बॉईल करके इसमें मैं जो वेजिटेबल्स वाले कबाब होते हैं ना, आलू, उसमें चिकन भी जाता है, उसमें वेजिटेबल्स भी होती हैं, उसको चाइनीज़ चिकन कबाब भी बोलते हैं, या चाइनीज़ आलू चिकन कबाब भी बोलते हैं, तो ये आज मैं बना रही हूँ, ठीक है। चाइनीज़ कट्टर्स भी बोलते हैं उसको, अपनी मर्ज़ी, आप लोग जो मर्ज़ी उसको बोल लो। तो बस अभी ये बस देखें पूरा कितना आज बिखरा पड़ा है मेरा आज। अभी बस सफाई कर रही हूँ, तो मैं बस सफाई कर लूँ, उसके बाद फिर मैं जैसे ये कबाब का मसाला रेडी करूँगी, आज मैं कबाब की रेसिपी अलग से भी बना दूँगी, ठीक है, तो वो भी, और क्योंकि इस कबाब की मैंने रेसिपी अभी तक नहीं बनाई है, तो ये भी, और साथ में इसके बाद जो चिकन और टिंडे का सालन बनाऊँगी आज, क्योंकि आज मैंने अपनी कज़न की इफ्तार की हुई है, कल उसने हमारी की थी, आज मैंने उसकी कर दी है फिर से। तो ये जो अभी टिंडे हैं, ये चिकन में शामिल करूँगी मैं। कल भी मतलब जितने रमज़ान का माशाल्लाह ये जितने भी दिन गुजरे हैं ना, हम लोगों ने चिकन और ये ज़्यादा वो दूसरा गोश्त ही खाया है, तो इसलिए मेरा इरादा है आज मैं इसमें सब्ज़ी डाल लूँ कोई, तो बस ये सब्ज़ी इसमें डालूँगी, तो चिकन और टिंडे बनाऊँगी आज। उसके बाद ये कबाब बन जाएंगे, और वो लोग रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी भी इफ्तारी थी तो रोटी बनी हुई थी, और ज़ाहिर सी बात है जो इंसान खाना पसंद करता है वही बनाना चाहिए इंसान को। तो बस अभी इंशाल्लाह वो मैं बना रही हूँ, फिर बना के फिर आपको दिखाती हूँ अफ्तारी की, आज अफ्तारी में क्या होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ किचन, अभी देखें, अभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, मैंने लाइट ऑफ की हुई थी, तो अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखें अभी नीट एंड क्लीन हो चुका है किचन, और ये देखें टोकरी कैसे चमक रही है। इसको तकरीबन 4 साल हो चुके हैं मेरे पास, अभी तक इसका बाल भी बहका नहीं हुआ है, ये देखें बिल्कुल नीट है अभी तक, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, और फैसलाबाद का पानी बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये यहाँ पे ना सब घरों में ये मसला है, ये ना उतर जाता है, ये हम लोग लगाते हैं इसमें वाइट जो सीमेंट होता है ना वो लगाते हैं, लेकिन ये फिर उतर जाता है। तो अभी बस प्याज वगैरह काटने लगी थी मैं, और आलू भी मेरे बॉयल हो चुके हैं, अभी चिकन रखती हूँ बॉयल करना, और उसके बाद फिर बस जल्दी से सालन बना के, और जो कबाब है ना मेरे, उनका भी मसाला तैयार कर लेती हूँ। उससे पहले मैं अरताश को ज़रा मेडिसिन वगैरह दे दूँ, क्योंकि उसने फिर सो जाना है, अभी वो लेटा हुआ है, देखें ये भी नहा के लेटा है,
अभी बस इसको मेडिसिन देती हूँ, मेडिसिन देने के बाद बस ये सो जाएगा, फिर इसके बाद मैं किचन में जाती हूँ अपने काम करती हूँ। फिर चले मैं इसको मेडिसिन दे दूँ और उसके बाद जब किचन में जाऊँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बाकी। तो ये देखें, ये भी बस मैं टिंडे गोश्त लगी हूँ बनाने, और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, सर में इतना दर्द हो रहा था तो बस फिर उस वक्त थोड़ी देर लेटी रही हूँ, तो अभी बस ये बनाने लगी हूँ। सालन पड़ गए थे, ये देखें ये आलू कम पड़ गए थे, तो फिर मैंने अभी आलू और बॉईल करने रखे हैं। और ये देखें ये थोड़ा सा इसका मिक्सचर तैयार हो चुका है जो कबाब मैंने बनाने, उसमें देखें ये अभी इसमें चिकन भी जाएगा। चिकन अभी मैंने ना इसको वो करना है, श्रेड करना है, तो अभी श्रेड करके फिर इसमें मतलब शामिल करूँगी। तो ये अभी इसमें आलू है, इसमें गाजर है, इसमें प्याज है, और इसमें जो कैबेज होती है ना बंद गोभी वो है। अभी इसमें और कुछ भी नहीं डाला, बस अभी इसमें जो चाइनीज़ मसाला होता है ना, मतलब जो बनाया जाता है खुद, तो वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी, तो फिर वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। फिर बस अभी बस जल्दी से सालन की तरफ जाते हैं, तो सालन जल्दी से बन, ये देखिए मैंने पकौड़ों का मसाला भी तैयार कर लिया है, सालन भी बन चुका है अभी, और ये बस अभी खरबूजे भी काट के साथ, तो उसके साथ ही बस उसका मसाला दिखाती हूँ आपको। ये देखें जो कबाब है ना ये उनका मसाला है, कितना यमी लग रहा है ना। इसमें नमक है, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, और साथ में थोड़ा सा अदरक पाउडर है, और इसके अंदर थोड़ा सा गर्म मसाला है बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है डाला मैंने। और थोड़ी सी मैंने मेथी डाली है इसमें, इसको थोड़ा सा ना आ जाता है अच्छा। और ये देखें ये अभी मैंने अंडा और बेसन को मिक्स करके रखा है, क्योंकि ये थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे, इसलिए फिर इसका ये मिक्सर मैंने बना के रख लिया है। अभी बस पकोड़े फ्राई करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको टिक्कियाँ बना के फिर दिखाती हूँ कबाब किस तरह बना। तो ये देखें ये रही आज की अफ्तारी, टिक्कियाँ मैंने बनाई थी लेकिन वो ना अभी फ्राई करने का टाइम नहीं मिला, वो थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो उसके कल सैंडविच देखूँगी वो बना लूँगी। तो फिर आज की ये रही अफ्तारी, अब रोज़ा अफ्तार हो चुका है, आप लोग भी अफ्तारी कर लें, हम लोग भी अफ्तारी कर लें। कल एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।